नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कुछ तंत्र मंत्र का किसी प्रकार का कोई प्रयोग कर दिया है, दिन भर आप थके थके से लगते हैं, उबासी आती है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, हमेशा बेचैन रहते हैं आप, जी आपका मचलाता रहता है, इस प्रकार के यदि लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो यह संकेत देता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ टोना टोटका इत्यादि कर दिया है। अब ऐसी स्थिति से हमें किस प्रकार से बचना चाहिए? आज हम कोई किसी प्रकार का कोई टोटका नहीं बता रहे हैं कि नींबू के द्वारा या फलाने के द्वारा या मूंग के द्वारा। आज हम आपके लिए एक ऐसा मंत्र लेकर के आए हैं जिसके जपने मात्र से आपके समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर तंत्र इत्यादि किया होगा तो वो तुरंत आपका समाप्त हो जाएगा। इसके लिए आपके लिए कुछ समय के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। यदि आपका मन लगे तभी इस प्रयोग को करना चाहिए, यदि आपका मन नहीं लगता है तो फिर इस प्रयोग को करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मन नहीं लगेगा, जब तक उस पर ध्यान आपका एकाग्रचित नहीं होगा, तब तक आप यह प्रयोग को करेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा। इसका पहले आपको अभ्यास बनाना पड़ेगा। अभ्यास जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन यह प्रयोग आपके लिए इतना चमत्कारी सिद्ध होगा कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपको करना क्या है मित्रों, एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, जैसे इस प्रकार का ऐसा एक आप सफ़ेद कागज़ ले लें इतना बड़ा, और उसमें जो है आप क्लीम मंत्र आप इसमें लिख दें, क्लीम लिख करके, और उसकी जो बची हुई जो जगह रहती है उसमें आप जो है काली स्याही से, उसमें काले कलर से आप उसको रंग दें। सिर्फ आपको उसमें क्लीम देखना चाहिए, बाकी जगह जो है उसकी काली होना चाहिए, उसको काली कर दें। और काली करने के पश्चात में आप प्रातःकाल या रात्रि में जब भी आपको अवकाश मिलता है उस समय आप जो है एक घी का दीपक जला करके उसके सामने बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें और कुछ समय तक जो है आप ध्यान करें, उसको देखें, थोड़ा सा देखें, आँख बंद कर लें, देखें आँख बंद कर लें, और उसके पश्चात जब आपको लगने लगे कि हाँ अब वो आपके पूरा मन मस्तिष्क पर बैठ गया है, और फिर आप आँख बंद करके देखें वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कम से कम 2 फुट आपका वो जो दूर होने चाहिए एक दीवार पर आप उसको चिपका दें, और इस प्रकार से आप ध्यान करें और देखें कि वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और जब वो दिखाई देने लगे तो पहले सांस खींचे लंबी, और उसके पश्चात में या तो आप सिर्फ क्लीम मंत्र का जाप करें या फिर ओम क्लीम नमः मंत्र का जाप करें। किस प्रकार से बोलना है वो हम आपको बताते हैं। कमर सीधी कर लें और ध्यान करें कि मतलब हम जो है स्वस्थ हो रहे हैं, किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है वो हमसे दूर हो रही है, और किसी ने यदि हमारे साथ में कुछ कर दिया है तो वो चीज़ जो है समाप्त हो रही है, कोई भी बाधा यदि हमारे ऊपर किसी ने की है तो वह नष्ट हो रही है। इस प्रकार से आपको ध्यान करना चाहिए और कमर सीधी करके बैठ जाएँ, या तो इन दोनों को इस प्रकार से आप जोड़ लें, इस प्रकार से ऐसे अपने उसमें रख लें, या फिर आप जो है यहाँ पर इस प्रकार से भी रख सकते हैं, कमर सीधी कर लें, बाईं हथेली को नीचे रखें, दाईं हथेली उसके ऊपर रखें, दोनों में से कोई भी क्रिया आप कर सकते हैं। इस प्रकार से ऐसे कर लें या फिर इस प्रकार की मुद्रा बनाएं ये, और इस प्रकार से ऐसा करके बैठ जाएं। तो जैसे ऐसे करके बैठें और कमर सीधी कर लें और फिर आप उसको जपें, लंबी सांस खींचें ताकि देर तक आप उस मंत्र को आप बोल सकें। क्लीम
इस प्रकार से जपें या फिर बीज मंत्र ओम क्लीम नमः ओम क्लीम नमः ओम क्लीम नमः। इसका यदि आप कुछ समय तक अभ्यास करते हैं और इसे यदि आप अपने जीवन में रेगुलरिटी में ले आते हैं, यानी इसको आप यदि नित्य करते हैं, तो फिर क्या होगा कि आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो दूर हो जाएगी। और किसी ने आपके ऊपर यदि कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र यदि कर दिया है तो फिर निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपका मन अच्छा लगेगा, आपके मन में उत्साह रहेगा, आपका सूर्य मजबूत होगा और आपका चंद्रमा मजबूत होगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा या सूर्य नीचस्थ हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया बेहतरीन उपाय है, उसमें आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होंगे, क्योंकि आपका आत्मबल मजबूत होगा, किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक जो है ऊर्जा आपके घर में नहीं रहेगी और ना ही आपके दिमाग में कोई नकारात्मक सोच आएगी। और जब नकारात्मक सोच नहीं आएगी, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर सब कार्य आपके अच्छे होंगे। तो इसे आप यदि चाहें तो दोनों टाइम कर सकते हैं, प्रातः पूजन के समय और रात्रि में भी कर सकते हैं सोते समय, या फिर आप रात्रि में या सुबह कभी भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसको कुछ समय तक लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मित्रों आसाती सफलता प्राप्त होगी। इस प्रकार का यह उपाय है, इतना चमत्कारी उपाय है, जिन लोगों ने भी किया है उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई है। तो आप भी इसको करके देखें, यदि आपको इस प्रकार से लगता है या आपको आलस्य आता है या आपको इस प्रकार से लगता है कि आपके अंदर नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आप हर कार्य को करने से पहले हतोत्साहित हो जाते हैं, किसी भी कार्य को आप नहीं कर पाते हैं, तो आप ज़रूर इस प्रयोग को अपने जीवन में करके देखें। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार देते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर किया करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका अच्छे से लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, पति पत्नी में आपसी मतभेद है, तलाक की स्थिति आ गई है, प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी जा रही है, परिवार को लेकर के परेशान है, संतान को लेकर के परेशान है, संतान नहीं हो रही है, यदि हो गई है तो वो आपकी बात नहीं मानती है, कई प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, इस समस्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का हमारा तरीका है कि हमारे जो दोनों नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, इसमें आपको अपनी जन्म कुंडली आपको भेजना पड़ेगी, यानी आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय एएम है या पीएम है और जन्म स्थान। जन्म स्थान यदि छोटा है तो वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस भेजें। उसके पश्चात में हम अपना यहाँ से अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजेंगे, जो कि हमारी परामर्श शुल्क है 1100 रुपया एक कुंडली देखने का, वह आपको पहले जमा करना पड़ेगी। उसके पश्चात हम आपको समय देंगे, उस समय पर आप हमसे अपने जीवन की जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। उस कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़ी समस्त समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे और छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे, जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो संपूर्ण यदि आप अपने भाग्य को जानना चाहते हैं, संपूर्ण आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है, तो आप हमसे तुरंत अपना जो है मोबाइल उठाएँ, व्हाट्सएप पर अपनी जो है डिटेल भेजें और उसके पश्चात हमारी जो परामर्श शुल्क है 1100 रुपये आप उसको जमा करें। उसके पश्चात हम आपसे के जीवन में जुड़ी हुई हर एक समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे और छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज हमारा 3100 रुपया है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो उसके लिए यदि आपको कुंडली बनवाना है तो इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं, ये देखिए, इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा निकलता है, 10-15 पन्ने जिसमें अंक ज्योतिष भी रहता है। इसके पश्चात इसकी विशेषता यह है कि ये
हम जो है लिख करके देते हैं पूरे नवग्रह का, पूरा जो नौ ग्रह हैं उनके बारे में पूरी विवरण जो है हम अपने हाथों से लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह आपका जो है कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या फल वो आपके लिए देने वाला है। आपके यदि बच्चे की कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो उसके कैरियर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसके कैरियर का आपको कौन सा चयन करना चाहिए, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उसके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको जो है पूरा विवरण आपको मिलेगा। इसका चार्ज 3100 रुपया है जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपनी, अपने बच्चों की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आप कुंडली बनवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा संपर्क करने का हमने आपको तरीका बता दिया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। छोटी छोटी कोई समस्या हो, गृह प्रवेश कब करना है, मुंडन संस्कार आदि कब करना, छोटी छोटी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जब भी हमें अवकाश मिलेगा हम निःशुल्क उसकी आपके लिए जानकारी दे देंगे। लेकिन यदि आपको अपना जन्मांक दिखाना है तो फिर आपके लिए जो है हमारी परामर्श शुल्क जमा करना पड़ेगी। आशा है मित्रों आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे और हमें इसका एक बार अवसर जरूर देंगे। नमस्कार।